नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कॉम्पेरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। आज हम फिर से पब्लिक डिमांड पर एक नया कॉम्पेरिजन लेके हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली, ढाका और इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों शहरों में कौन किससे आगे है। दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार और आपको जानने को मिलने वाला है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और कॉम्पेरिजन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिल्ली की अगर बात करें तो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली शहर आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजधानी एवं भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर कहे जाने वाली क्षेत्र है, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है जो कि भारत की राजधानी है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था जो कि पांडवों द्वारा दिया गया था। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी बहती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दिल्ली भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली शहर है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजाल और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और आधिकारिक तौर पर दिल्ली की स्थापना 1 फरवरी 1992 को की गई थी। वहीं ढाका की अगर बात करें तो ढाका, जिसे पहले धक्का के नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़े शहर और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में भी आता है। ढाका बांग्लादेश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ढाका 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में एक प्रांतीय राजधानी और मुगल साम्राज्यों के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और ढाका लगभग 75 वर्षों तक मुगल बंगाल की राजधानी भी थी। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो भारत से साल 1947 में अलग होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, लेकिन 58 साल पहले साल 1960 में पाकिस्तान में कराची की जगह इस्लामाबाद ने ले ली। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। विभाजन के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। इसके भी बहुत से कारण थे, एक तो शहर काफी बड़ा था और दूसरा इससे लगा बंदरगाह व्यापार के लिए बेहद अहम था। इसके अलावा कला और सांस्कृतिक रूप से भी ये शहर संपन्न था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए इतना काफी न था क्योंकि उसे तो भारत से कश्मीर चाहिए था। इसके लिए उसने देश की राजधानी तक बदल डाली। 1960 में फील्ड मार्शल आयुब खान ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी और तब से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पॉपुलेशन, दोस्तों पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है 2.9 करोड़ जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। वहीं ढाका की टोटल पॉपुलेशन है 2.6 करोड़ और ढाका आबादी के मामले में बांग्लादेश के सबसे बड़ा शहर है और इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन है 10.9 लाख और इस्लामाबाद पाकिस्तान की 9वीं सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। जीडीपी, दोस्तों जीडीपी की अगर बात करें तो दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 370 बिलियन डॉलर्स है जो कि सालाना लगभग 11.5% की दर से बढ़ रही है। वहीं ढाका की नॉमिनल जीडीपी 156 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 227 बिलियन डॉलर्स है जो कि सालाना लगभग 7.1% की दर से बढ़ रही है। और इस्लामाबाद की नॉमिनल जीडीपी 3.4 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 10.58 बिलियन डॉलर्स है जो कि सालाना लगभग 5.22% की दर से बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों, जीडीपी के मामले में ढाका इस्लामाबाद से तो बहुत आगे है, लेकिन दिल्ली के साथ लगभग बराबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया, दोस्तों तीनों शहरों की एरिया या कहे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर, वही ढाका की टोटल एरिया है 306.38 स्क्वायर किलोमीटर और इस्लामाबाद की टोटल एरिया है 906.5 स्क्वायर किलोमीटर।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कहे मानव विकास सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि किसी देश या फिर शहर में बुनियादी जरूरतों तक लोगों की पहुंच कितनी है। तीनों शहरों के एचडीआई की अगर बात करें तो दिल्ली की एचडीआई 0.744 है, वहीं ढाका की एचडीआई 0.620 है और इस्लामाबाद की एचडीआई 0.875 है। रिलीजियन, दोस्तों तीनों शहरों की रिलीजियन यानी धर्म की अगर बात करें तो दिल्ली में 81.68% हिंदू, 12.86% इस्लाम, 3.40% सिख, 0.99% जैन, 0.87% ईसाई, 0.11% बुद्धिस्ट और 0.1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं ढाका में 90% इस्लाम, 9% हिंदू और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं और इस्लामाबाद में 91.53% इस्लाम, 6.07% ईसाई, 4.02% हिंदू और 0.3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज, दोस्तों तीनों शहरों में बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दिल्ली में 76.15% हिंदी के साथ पंजाबी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू और अन्य भाषाएं बोली जाती है। वहीं ढाका में 98% बंगाली, 1% इंग्लिश और 1% अन्य भाषाएं बोली जाती है और इस्लामाबाद में 62% पंजाबी, 12% सिंधी, 18% पास्तो और 8% अन्य भाषाएं बोली जाती है। लिटरेसी रेट, दोस्तों तीनों शहरों की शिक्षा दर की अगर बात करें तो दिल्ली की शिक्षा दर लगभग 90.94% है, वहीं ढाका में शिक्षा दर लगभग 72.74% है और इस्लामाबाद में शिक्षा दर लगभग 88% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दोस्तों तीनों शहरों की बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 9.7% है, वहीं ढाका में बेरोजगारी दर लगभग 19% के आसपास है और इस्लामाबाद में बेरोजगारी दर लगभग 15.60% है। ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों तीनों शहरों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो दिल्ली में ज्यादातर लोग मेट्रोज, बसेस और ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की कुछ बड़े रेल स्टेशन की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट है। वहीं ढाका में लोग ट्रेन, बसेस और टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं और ढाका में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। ढाका के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो कमालपुर रेलवे स्टेशन, ढाका रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, बनानी रेलवे स्टेशन और ताजगांव रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन शामिल है। वहीं ढाका की एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ढाका में बांग्लादेश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेजगांव एयरपोर्ट और ढाका एयरपोर्ट है। और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में ज्यादातर लोग बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो बसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद की कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, गोलरा रेलवे स्टेशन, सिहाला रेलवे स्टेशन, नूर रेलवे स्टेशन और संगजनी रेलवे स्टेशन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन शामिल है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों दिल्ली में आपको छोले भटूरे, फिश फ्राई, आलू टिक्की, पापड़ी चाट, ककोड़ी कबाब, चिकन टिक्का रोल, चिकन चंगेजी, कचौड़ी आलू सब्जी, बॉम्बिल फ्राई और बटर चिकन खाने को मिलेंगे।
वहीं ढाका में आपको मोरक पुलाव, भुना खिचड़ी, कच्ची बिरयानी, ग्रिल चिकन विथ नान रोटी, हलीम पराठा, फुचका, मिष्टी दोई, फालूदा और पतला खिचड़ी खाने को मिलेंगे। और इस्लामाबाद में आपको चेलो कबाब, चीज नान, गार्लिक मशरूम टोस्ट, स्टिक, चीज केक, चॉकलेट पराठा, सुशी, ब्राउनी, चिकन हांडी और क्लब सैंडविच खाने को मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में आप इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा और अक्षरधाम मंदिर जैसी जगह पर घूम सकते हैं। वहीं ढाका में आप ढाकेश्वरी टेंपल, लालबाग फोर्ट, अपराजेय बंगला, वसुंधरा मॉल, शिशु पार्क, सोनार गांव, लिबरेशन वॉर म्यूजियम, पिंक पैलेस, ढाका इंटरनेशनल फोल्क फेस्ट और सात गुंबद मॉस जैसी जगह पर घूम सकते हैं। और इस्लामाबाद में आप द पाकिस्तान मोनूमेंट, लोक भीरसा म्यूजियम, फैजल मॉस्क, सिद्धपुर विलेज, मार्गला हिल्स एंड दामने कोक पार्क, रावल लेक, मोनार रेस्टोरेंट, इस्लामाबाद क्लब, जिन्ना सुपरमार्केट और इटवार बाजार जैसी जगह पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दिल्ली, ढाका और इस्लामाबाद के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हम बड़े मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। धन्यवाद।